बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। हम यूनिट 6 कर रहे हैं मोहम्मद अली जनास वियना पाकिस्तान, कायद आज़म का ख्वाब और पाकिस्तान, और आज हम उसमें करेंगे एडवर्ब्स। एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एंड एडजेक्टिव आर एन अदर एडवर्ब। एडवर्ब्स जो हैं वो वर्ड्स हैं जो कि मॉडिफाई करते हैं वर्ब्स को, और जैसे रेड में आपको एडजेक्टिव्स मिलेंगे जो डिस्क्राइब करते हैं नाउन को, और एडवर्ब्स डिस्क्राइब करते हैं वर्ब्स को। नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स इन रेड, वर्ब्स एंड एडवर्ब्स इन ब्लू। द डॉग बार्क्ड, तो डॉग जो है उससे पहले एडजेक्टिव आएगा, और बार्क्ड हाउ, कुत्ता कैसे भौंका, उससे पहले एडवर्ब आएगा। द फियर्स डॉग बार्क्ड लाउडली, तुंदखू डॉग, तुंदखू कुत्ता बार्क्ड भौंकना लाउडली, ऊंची आवाज़ में भौंका। तो देखिए उसके भौंकने को लाउडली लफ्ज डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये लाउडली इज अ एडवर्ब। शी केयरफुली वॉक टू द क्रीपी हाउस, शी केयरफुली वॉकड, कैसे चली, बहुत एहतियात से, टू द क्रीपी हाउस। कॉमनली एडवर्ब्स आर फॉर्म फ्रॉम एडजेक्टिव, सम आर बिलो, एड एल वाई एट द एंड ऑफ एडजेक्टिव। हम आप तौर पे एल वाई ऐड करते हैं तो एडजेक्टिव एडवर्ब में चेंज हो जाता है, जैसे काइंड से काइंडली, हैप्पी से हैप्पीली, वंडरफुल से वंडरफुली, लाउड से लाउडली, सैड से सैडली, ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुली। देर आर कॉमनली फोर टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स ऑफ मैनर आंसर्स हाउ, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस वेयर, एडवर्ब्स ऑफ टाइम व्हेन, एंड एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हाउ ऑफन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है। ये डिस्क्राइब करता है कोई चीज़ किस अंदाज से हो रही है। एडवर्ब ऑफ मैनर आंसर्स द क्वेश्चन हाउ, जैसे द लायन रोड फिरोशियसली, रोर कहते हैं धाड़ने को, फिरोशियसली सख्ती से धाड़ा। द मैन वॉक्स केयरलेसली, आदमी कैसे चल रहा है, केयरलेसली, केयरलेसली लापरवाही से। फिर अभी जो आपने अपना चैप्टर पढ़ा है उसमें आप देखें, वी शुड फेस इट ब्रेवली, ठीक है, तो ब्रेवली बहादुरी से, तो ये भी जो है एडवर्ब ऑफ मैनर है। फिर हमने पढ़ा था आइडेंटिटी विल बी स्ट्रांगली रिजिस्टेड, उसको शिद्दत से, स्ट्रांगली मजबूती से मुज़ाहमत करना, इट इज़ एडवर्ब ऑफ मैनर। फिर है ही फॉर्मली बिलीव्ड, वो पक्का यकीन था, तो ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर है। फिर एवरी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली, ये दोनों भी एडवर्ब्स हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है एडवर्ब ऑफ टाइम, जो हमें बताता है कि कोई काम किस वक्त पे हो रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे अली रोड हिज हॉर्स लास्ट मंडे, एडवर्ब ऑफ टाइम आंसर्स द क्वेश्चन व्हेन, कब अली ने घोड़े के ऊपर सवारी की, लास्ट मंडे, पिछले सोमवार को। ड्यूरिंग द अर्ली एंड डिफ़िकल्ट टाइम्स ऑफ पाकिस्तान इमरजेंस, ये हमने चैप्टर में अपना पढ़ा है। फिर है एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो हमें जगह का बताता है कि वेयर द एक्शन टुक प्लेस, कि एक्शन कहाँ पे हुआ। एडवर्ब ऑफ प्लेस आंसर्स द क्वेश्चन वेयर, आई लुक्ड एवरीवेयर, वेयर डिड आई लुक, एवरीवेयर, हर जगह। देयर आर मैनी फ्लावर्स आउट साइड, वेयर आर द मैनी फ्लावर्स आउट साइड, बाहर की तरफ, तो ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस। फिर है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कहते हैं कोई चीज़ कितनी बार बार होती है, कितनी जल्दी टेक प्लेस होती है,
Adverb of frequency answers the question how often. She usually comb her hair. How often she comb her hair? वो कितनी दफ़ा अपनी कंघी करती है आम तौर पे. फिर है she brush her teeth regularly. वो बाकायदगी से अपने दांत ब्रश करती है. She takes a bath always. वो हमेशा बाथ लेती है. तो प्यारे बच्चों, हमें इसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें मुअय्यन हैं जो हमने हर सूरत में करनी है और कुछ ममनू हैं जो कुछ नहीं करनी. मुअय्यन में हमेशा सच बोलना, नमाज कायम रखना, रोज़े रखना, हज और ज़कात आ जाता है. और ममनू में हमारे लिए झूठ बोलना, मुर्दार खाना, सूद खाना, जना और शराब है. मुस्ताह, मुबाह और मकरूह जो है इसमें हमें अपनी मर्ज़ी की गुंजाइश है. अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं तुम में दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, अगर तुम उन्हें मजबूती से थामे रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे. एक कुरान मजीद, दूसरी मेरी सुन्नत. अल्लाह की किताब को तर्जमे के साथ पढ़ें ताकि आपको अपना भी पता चले, अल्लाह का भी पता चले और हम इन चीज़ों के ऊपर अमल कर सकें. राइट 5 सेंटेंसेस यूजिंग एडवर्ब्स. ये हमारी जो है वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है. राइट 5 सेंटेंसेस यूजिंग एडवर्ब्स. तो पहला है अली क्विकली रेड द बुक. एन एडवर्ब कैन डिस्क्राइब हाउ एन एक्शन हैपन्स. तो देखें, अली ने बहुत जल्दी तेज़ी से किताब पढ़ ली. फिर है ही वर्कड हार्ड यस्टरडे. एडवर्ब ऑफ टाइम आंसर्स द क्वेश्चन व्हेन. उसने कल यस्टरडे जो है काम बहुत मेहनत की. फिर है एडवर्ब ऑफ प्लेस आंसर्स द क्वेश्चन वेयर. इट इज़ स्नोइंग आउटसाइड. कहाँ पे बाहर जो है वो बर्फबारी हो रही है. इट इज़ स्नोइंग आउटसाइड. और फिर नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आंसर्स द क्वेश्चन हाउ ऑफन. द फोन रिंग्स कॉन्स्टेंटली एट द ऑफिस. मुस्तकिल जो है वो फ़ोन जो है उसकी बेल बज रही है. आई क्लीन माई बेडरूम एवरी डे. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के में है और हर रोज़ अपना बेडरूम साफ़ करता हूँ. तो लड़के या लड़कियाँ, हमको अपने काम खुद करने की आदत डालनी चाहिए. उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा. इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें.